बहुत समय पहले की बात है, एक साधु की चार बेटियां थी। वो चारों बेटियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी। एक दिन चारों नदी में नहाने गई थी, तभी उन्होंने देखा कि एक राजा घोड़े पर बैठकर नदी किनारे से जा रहा था। जाते जाते राजा कुछ सुनकर वह कौतूहल में भर गया और घोड़े से उतरकर पेड़ की ओट में छिप गया। तभी साधु की बड़ी बेटी बोली, राजा के रसोइये से शादी करती तो अच्छी अच्छी चीजें खाती। मंझली बोली, मंत्री से ब्याह करती तो अच्छी साड़ी पहनती। उससे जो छोटी थी वो बोली, कोतवाल से शादी करती तो किसी से न डरती। उन सब में जो सबसे छोटी थी और जो सबसे ज़्यादा सुंदर भी थी वो बोली, राजा से विवाह करती तो राजा पटरानी की तरह रखता, कभी दूर न करता। राजा ने सब सुन लिया और महल में लौटकर साधु को बुलाया और सब बताया। जिसकी जो इच्छा थी उसे पूरा किया और सबका विवाह करा दिया। खुद छोटी से विवाह करके उसे अपनी पटरानी बना लिया और बाकी सभी बहनें विवाह करके वहाँ की दासी बन गई। सबकी मन की इच्छा पूरी तो हो गई, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी पटरानी और हम उनकी नौकरानी। जाने हमारे बुद्धि को क्या हो गया था, अब तीनों बहनें उससे जलने लगी। इधर विधाता ने ऐसा किया कि बड़ी बहनों को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ और छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा कम था वह और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा, हम बड़ी होकर बांझ और खाली बैठी हैं। ये इतनी छोटी होकर भी माँ बनेगी, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अब तो तीनों रोज आती बहन को मीठी मीठी बातें कहकर फुसलाती। कोई केस सवारती तो कोई जूड़ा गूथ देती और कोई पान बना देती, कोई पाँव सहला देती। यो सब मिलकर उसकी खूब सेवा करती। छोटी बहन छल कपट नहीं जानती थी, वो बड़ी बहनों के भाव स्नेह में बह जाती, उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं दुश्मन कहाँ माँ के पेट से। इधर तीनों बहनें बैठकर चिंता करती, कैसे इसे महल से विदा कराएं। देखते देखते रानी को पूरा 9 महीने हो गए। रानी को कष्ट हुआ तो बहनों ने ठीक करा दिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा, हम सब देख लेंगी, हमसे अधिक कौन जानता है। ऐसा कहकर बहनों ने किवाड़ बंद कर दिया और रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। रानी बोली, बहन पट्टी क्यों बांध रही हो। तब बड़ी बहन ने कहा, चुप रह, तुम्हें पता नहीं दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, यह राज की प्रथा है। थोड़ी ही देर में रानी ने एक दिव्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के कहां कहां करने से पहले ही
बक्सा में बंद कर बहनों ने उसे नदी में बहा दिया और दूसरे बक्से से बंदर का बच्चा निकाल कर रानी के पास रख दिया। दासियों ने देखा तो दंग रह गई। अरे देखो जरा, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब यह सुनकर अवाक रह गए। आदमी कभी बंदर को जन्म दे सकता है भला? पूरे राज दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। तभी दासियों ने कहा, महाराज, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। यह जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया और राजा चुप रह गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, दासियों को फिर से विदा कर दिया। इस बार फिर रानी को एक दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने उसे बक्सा में रखकर नदी में बहा दिया। इस बार बिल्ली के बच्चे को लाकर रख दिया। राजा ने सुना तो बहुत चिंतित हो गए। फिर तीसरी बार आस हुई। अब की बार रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। कूटनीति करके बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की बार कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैल गई। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई तो राजा सोचने लगा, ये असुरनी है, इसे पटरानी बनाकर इतने ठाठ वाट से रखा है। अगर ये असुरनी न होती तो कुत्ते, बंदर और बिल्ली पैदा करती। राजा गुस्से में आकर आज्ञा दिया कि रानी को कारागार में बंद कर दिया जाए। अब सैनिकों ने रानी को कारागार में बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं, वह दिन रात रोती ही रहती। इधर बक्सा जाकर किनारे लगा तो राजा के माली ने बक्सा निकाल लिया। उसके एक भी बच्चे नहीं थे। जब उसने बक्सा खोला तो बच्चा देखकर वह दंग रह गया। फिर उन बच्चों को लेकर वह अपने घर गया। माँ लीन बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने बच्चों की तरह उनका लालन पालन करने लगी। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है, तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़ गए। वहाँ एक झरना बह रहा था। झरने के किनारे एक घना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक ऋषि तप कर रहे थे और एक साथ कई रंग के पक्षी ऋषि के पास बैठे थे। वो पक्षी देखकर बड़े राजकुमार को बहुत पसंद आ गया और वह जैसे ही पक्षी को पकड़ा वह पत्थर का हो गया। छोटे भाई ने भी वैसा ही किया, वह भी पत्थर का हो गया। राजकुमारी ये सब देखकर बहुत डर गई और कोई उपाय न देखकर ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी। विकल देखकर ऋषि ने कहा, जा झड़ने से अंजुरी भर पानी लाकर उन पर डाल दे, बच जाएंगे। तब जाकर पक्षी से क्षमा मांगना।
तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया। अब तीनों भाई बहन पक्षी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तब पक्षी उड़कर राजकुमारी के हाथ पर बैठ गया। राजकुमारी उसे सहलाने लगी। तब पक्षी ने कहा, तुम इस वन में रहो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें किसी भी चीज का दुख नहीं होगा। यहाँ के सारे जीव जंतु मेरी बात मानते हैं। मैं उन्हें बुलाकर समझा दूंगा। वो देखो, बरगद के पेड़ के नीचे एक घर है, वहाँ तुम रहना। वहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब जो इच्छा करे वो खाना पहनना। अब राजकुमार और राजकुमारी मजे में रहते। पक्षी उनका हमेशा ध्यान रखता। बाघ, सिंह, सियार भी सब उनकी रक्षा करते। वन में फल वगैरह खाते और हंसी खुशी घूमते। अब बच्चों के दिन चैन से कटने लगे। इधर राजा को एक दिन शिकार करने का मन हुआ तो वह वन में चल दिए। लेकिन उन्हें एक भी शिकार न मिला तो राजा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजकुमार खेलते हुए उधर से निकले। वन में ऐसा सुंदर बालक कहाँ से आए? राजा अचंभे से भरकर देखने लगा। देखते देखते राजा को रोमांच हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों को पास बुलाया और गोद में बिठाया। किसके बेटे हो? हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है। उसने घरवार देकर सुख से रखा है। माली के चांद से बेटे पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। राजा यह सोचकर बहुत दुखी हुए और फिर से रो पड़े। राजा का दुख देख उन्होंने समझाया और पूछा, किधर आए हैं? शिकार पर आया हूँ। एक भी शिकार नहीं मिला और शाम भी होने वाली है। राजकुमारों ने कहा, आप मेरे घर चलिए, मैं अपनी बहन से मिलवाऊंगा। इधर बहन ढेर सारे पकवान बनाकर भाइयों की राह देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ की, तो भाइयों ने राजा को दिखाकर सब बताया। बहन पानी लाकर रखी, पांव धोए और खाने की जगह पर बुलाया। राजा वह अद्भुत भोजन खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। पक्षी ने कहा, यह पकवान तो कुछ भी नहीं है। एक बार लंका के राजा ने मुझे निमंत्रण दिया तो वहाँ जाकर मैंने मानिक मोती की सब्जी बनाई। वह चखते तो इसे हटा देते। पक्षी की बात सुनकर राजा हंसने लगे और बोले, तुमने पसंद की बात नहीं की। मानिक और मोतियों की सब्जियां होती है क्या? तब पक्षी ने कहा, कुत्ते, बिल्ली और बंदर आदमी जन्म दे सकते हैं क्या? यह तो मान गए, मेरी बात हंसी में उड़ा दी। सुनकर राजा अवाक रह गए। मेरे घर की बात इस पक्षी ने कैसे जानी? पक्षी ने कहा, मैं सब जानता हूँ महाराज। तब राजा पक्षी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तब पक्षी ने सारी कहानी कह सुनाई।
कहानी सुनकर राजा को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी बेटी बेटों को लेकर घर गए। रानी को बंदीशाला से छुड़ाया गया और तीनों बहनों के आगे उसे नए गहने वस्त्र पहनाए और सोने की डोली में बिठाया। रानी ने गोद में चांद से बेटी बेटी को लिया। इधर राजा की आज्ञा से सैनिकों ने तीनों बहनों की चोटी काट कर उनका मुंह काला कर गांव में ढिंढोड़ा पीट कर घुमाया और साथ ही उन तीनों को डायन भी घोषित कर दिया गया और आखिर में गड्ढे के नीचे तीनों बहनों को गाड़ कर ऊपर से कांटे का पेड़ लगा दिया गया। अब राजा रानी और उनके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।